हेलो फ्रेंड्स, किरण नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंक्रीजिंग पैटर्न बताने जा रही हूँ। इंक्रीजिंग पैटर्न मींस आप जिसमें पैटर्न भी आपका चलता जाता है और साइडों पे फंदे भी बढ़ते जाते हैं, जैसे ये एक इधर बढ़ रहा है फंदा और एक इधर बढ़ रहा है फंदा, तो साथ में बीच में बहुत सुंदर ये पैटर्न भी चल रहा है। और फ्रेंड्स, ये पैटर्न बहुत जगह इस्तेमाल होता है, बहुत प्रोजेक्ट्स पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप पोंचो बना सकते हैं, इसका बीच में ये पैटर्न चलता जाएगा, जो ट्रायंगल शेप के पोंचो आते हैं बनते हैं वो बना सकते हैं और साइडों पे ये फंदे बढ़ते जाएंगे। फ्रॉक बना सकते हैं, फ्रॉक भी ऐसी बनती है जो ट्रायंगल शेप में, नीचे से हम उसको फिर बाद में गोल करते हैं, तो उसमें भी ये पैटर्न आप चला सकते हैं। और फ्रेंड्स, स्कार्फ भी बना सकते हैं इसका, जो कि हम थोड़े फंदों से स्टार्ट करते हैं और फिर बाद में ये बढ़ते बढ़ते ट्रायंगल शेप का स्कार्फ बन जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसको कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। जैसे कि हम नेक से स्टार्ट करते हैं कार्डिगन, और उसमें हम डिवाइडेशन बना के और यहाँ पे साइडों पे फंदे बढ़ाते जाते हैं और ये साथ में हम पैटर्न चला सकते हैं, तो बहुत सुंदर ये पैटर्न बन के आता है और बुनने में भी बहुत ईजी है, बहुत जल्दी जल्दी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे बीच के ये चार फंदे। ये देखिए, ये इसमें चार फंदे पर ये पैटर्न चलता है, इसके साइडों में ये फंदे बढ़ते हैं, तो आपको बीच के ये चार फंदे लेने हैं पैटर्न के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से बीच के मैंने चार फंदे रखे हैं और साइडों पर मैंने तीन इधर और तीन इधर, तो टोटल मैंने 4, 3, 7 और 3, 10 फंदों से ये पैटर्न स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि बढ़ते बढ़ते इसमें कितने फंदे हो गए हैं यहाँ पे साइडों पे, तो ऐसे ही एक एक फंदा ये सीधी साइड से बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसकी सीधी साइड ये वाली रखी है, तो आप इसमें जैसे मैंने उल्टे उल्टे फंदे बुने हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे सीधे भी बुन सकते हैं जैसे आपको बनाना हो। तो ये वाली साइड देखिए, मैंने इसकी रॉन्ग साइड में ऐसे ये सीधा रखा है, पर रॉन्ग साइड से ये पैटर्न अलग तरह का बीच का आता है, ये देखिए। तो आप अगर स्कार्फ वगैरह बनाएंगे तो आप इसको दोनों तरफ से इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ से भी ये बहुत सुंदर लगता है, तो अपने हिसाब से आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें है ये रो नंबर 1, ये इसकी सीधी साइड है, राइट साइड है, तो यहाँ पे मैंने इसकी राइट साइड पे उल्टे फंदे रखे हैं, देखिए उल्टे फंदे बुन लेंगे जितने भी आपके पास होंगे। बाई चांस जैसे मैंने आपको नीचे से बताया है कि मैंने इसमें लिए हैं साइड के तीन फंदे, तो आपको क्या करना है कि जैसे तीन तीन है साइडों पे, तो आपको तीन फंदे बुन लेने हैं, एक आपका स्टिच हो जाएगा, दो आपके उल्टे फंदे हो जाएंगे और साथ में फिर आप इसको बढ़ा लेंगे। तो अभी मैं आपको ये जितने इसमें बढ़ गए हैं फंदे वो हम उल्टे बुन लेते हैं। ये राइट साइड की रो 1 है, ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, ये चार फंदों पे ये हमारा पैटर्न है, तो चार फंदों के पहले आपको यहाँ से ये देखिए ये ऐसे उठाना है इधर से पिछली साइड से और यहाँ से इसको उल्टा बुन देना है, ये देखिए ऐसे, तो ये आपका यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज हो गया है। और अब आप यहाँ पे करेंगे धागे को पीछे और यहाँ पे देखिए आप कैसे करेंगे, चार फंदों पे कैसे आपको पैटर्न बनाना है, 1, 2, 3, 4 चार फंदे हैं ये, तो दो फंदे छोड़ के उसके आगे से सिलाई डालेंगे, ये देखिए दो फंदे छोड़ के आगे से डालेंगे इसमें सिलाई और फंदा निकाल के लाएंगे ऐसे। उसके बाद अपनी तरफ धागा लाएंगे और फिर से वहीं डालेंगे सिलाई, वहीं जहाँ पे आपने पहले किया है, और एक फंदा और निकाल के लाएंगे, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पे जब आप अपनी तरफ धागा लेके आए तो यहाँ पे ये तीन फंदे हो गए हैं, दो फंदे आप निकाल के लाए और एक अपनी तरफ धागा लेके आए, तो यहाँ पे आपके तीन फंदे बन चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये पैटर्न जो चार फंदों पे चलना है, तो आपको लास्ट फंदा कैसे करना है, ये देखिए ये दोनों फंदे लेंगे, लास्ट वाला थोड़ा सा टफ रहता है पर हो जाता है, ये देखिए दोनों फंदे लेंगे और आगे के भी इसमें दोनों फंदे लेंगे, यानी कि चार फंदे, चार फंदों पे मैंने जैसे आपको बताया है चार फंदे, आगे के भी दो फंदे ले लेंगे, ये देखिए ऐसे, तो ये चार फंदे इस पे हो गए हैं,
थ्री और ये फोर। तो इसको बैक लूप से हम चार फंदों का एक फंदा बनाएंगे बुनते हुए। ये देखिए ऐसे, ये थोड़ा सा टफ रहता है इसमें से निकालना, बट हो जाता है। ये देखिए एक दो बार करेंगे तो इजीली आपसे हो जाएगा। जो दो फंदों के पहले से हमने ये निकाल रखा है तो ये थोड़ा सा घुटा हुआ सा रहता है, तो थोड़ा सा इसमें कई बार दिक्कत लगती है बुनने में, चारों को एक करने में। ये देखिए ऐसे चार फंदों को हम इकट्ठा बुनेंगे और एक फंदा निकल आएगा। तो अब आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि चार फंदों के हमारे 1 2 3 4 फिर से चार फंदे बन गए हैं देखिए। और ये चारों फंदे हम गिरा देंगे। ये आपका पैटर्न यहाँ पे बन के आ गया है। तो अगला ये देखिए यहाँ पे फिर से हमारा फंदा बढ़ना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे वूल आगे लाएंगे और यहाँ से ये देखिए ऐसे उठाते हुए उल्टा फंदा बुन लेंगे। तो ये फंदा हमारा इंक्रीज हो गया यहाँ पे, और बाकी के फंदे फ्रेंड्स हमारे सारे उल्टे आएंगे। रो वन है ये देखिए ऐसे। और एस स्टिच जो है वो अपने हिसाब से आप बुनिएगा जैसे आपको लगे। अगर आपको स्मूथली बनाने हैं तो उसी हिसाब से बुनिए, अगर आपको उल्टे ही रखने हैं तो आप इसका उल्टा फंदा ऐसे बुन सकते हैं। तो मैं इसको स्मूथली एजिस बना रही हूँ, ये लास्ट वाला फंदा मैं इसका सीधा बुन लेती हूँ। तो ये राइट साइड की हमारी जो रो वन है वो इसमें कंप्लीट होती है। तो अब आते हैं हम इसकी रो नंबर सेकंड पे, रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड से देखिए ये एज स्टिच है, इसको उतार लेंगे। और रॉन्ग साइड फ्रेंड्स बहुत इजी है, राइट साइड में ये चार फंदों का पैटर्न थोड़ा सा टफ लगता है, बाकी सारा इजी है ये। तो ये फंदे सारे हम सीधे बुन लेंगे और वो चार फंदे जो हैं पैटर्न वाले वो ही आपको इसमें सिर्फ उल्टे बुनने हैं। ये देखिए ऐसे ये चार फंदे, यहाँ तक आपने जाली डाली है यहाँ तक आप बुन लेंगे, चार नहीं सॉरी ये सारे फंदे बुन लेंगे जाली तक। उसके बाद जो चार फंदे हैं आपके पैटर्न के, ये देखिए ये चार फंदे आपके पैटर्न के हैं, ये आपको उल्टे बुनने हैं। तो इसको उल्टा बुन के कंप्लीट करते हैं हम। ये देखिए 1 2 3 और ये फोर, ये चार फंदे फ्रेंड्स मैंने उल्टे बुन लिए हैं। और फिर से धागा हम पीछे को करेंगे और ये जाली वाले फंदे से लेके यहाँ से हमने बढ़ाया है ये सारे फंदे लास्ट तक हम सीधे बुनेंगे। देखिए ऐसे इस पैटर्न की फ्रेंड्स लुक बहुत सुंदर आती है। सिर्फ चार फंदों को आप थोड़ा सा बुनने में टफ लगता है वो, बाकी सारा इजी रहता है। तो ये दो सिलाइयां हमने कंप्लीट कर ली है इसमें। देखिए फ्रेंड्स जो दो सिलाइयां मैंने आपको बुन के बताई हैं वही आपको बार बार रिपीट करते जाना है, यानी कि बार बार दो सिलाइयां वही डालते जाएंगे तो ये वाला पैटर्न आपका चलता जाएगा और साथ के साथ आपकी इंक्रीजिंग भी होती जाएगी, यानी कि दोनों तरफ से फंदे भी बढ़ते जाएंगे। सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है, दो सिलाइयां ये बुनती जानी है। तो ये यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी, थोड़ा सा ये मैं बुन लेती हूँ, रो वन को रिपीट करके बताती हूँ सिर्फ ये वाला पार्ट, बाकी मैं ये बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स रो वन को मैं आपको रिपीट करके थोड़ा बता रही हूँ। ये जो हमारे चार फंदे सीधे दिख रहे हैं ये वाले, यहाँ पे हमारा पैटर्न आएगा तो ये जाली वाला फंदा है उल्टा, इसको हम उल्टा ही बुन लेंगे क्योंकि ये इधर वाला आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको ये दिख रहा है और ये चार फंदे आपके पैटर्न के हैं। तो यहाँ से जो ये दिख रहा है आपको धागा, इसको उठा के ऐसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा फंदा इंक्रीज एक, और हम बाद में धागा लेके जाते हैं पीछे को और ये चार फंदे इस पे पैटर्न आएगा दो फंदों के बाद, 1 और ये 2, दो फंदे छोड़ के हम यहाँ से निकालेंगे फंदा। एक हम निकाल के लाए, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से उसी में से फंदा निकाल के लाएंगे। यहाँ पे हो गए हमारे पास तीन फंदे, ये देखिए 1 2 3, तीन फंदे हो गए। अब हमें क्या करना है कि दो फंदे ये वाले और दो फंदे आगे के, चार फंदे, चार फंदों में हमें सिलाई डालनी है। ये देखिए ऐसे,
थोड़ा धीरे दिखा रही हूँ ताकि आपको आराम से ये हो जाए। चार फंदों में सिलाई डालेंगे और बैक लूप से चारों फंदे हमें इकट्ठे बुनने हैं। ये देखिए, इसको मैं जैसे आपको पहले ही बताया, थोड़ा सा टफ रहेगा। ये चार फंदों का एक फंदा बैक लूप से बनाएंगे, ये देखिए ऐसे। और ये चारों फंदे हम छोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और यहाँ पे ये देखिए आपको ये धागा दिख रहा है, यहाँ से इसको ऐसे उठाते हुए उल्टा फंदा बुन देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये फंदा इंक्रीज हो गया, इधर भी हो गया और इधर भी होगा, दोनों साइड हमारे दो यानी कि इस रो में, राइट साइड की रो में दोनों साइड फंदे इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको दो सिलाइयों को रिपीट करते हुए ये पैटर्न आप बहुत आगे तक जैसे भी चला सकते हैं, अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। अब आप भी बनाइए, इस्तेमाल कीजिए इस पैटर्न को, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।